नीति हो दोस्तों, आप लोग कैसे ठीक ठाक होंगे। सलाम नमस्ते सत्यकल कहते हैं आप लोगों को, जिन्हें हमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम लाते रहते हैं इसी तरह की वीडियो जो रिएक्शन करते हैं हम लोग। हमारे चैनल का नाम है रिएक्शन रिप्ले और हमारा नाम है आमिर खान, और एक खान आपके यहाँ, एक खान हमारे यहाँ, मैं भी आमिर खान और आप हमारा भी आमिर खान। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है, आज भी हम वही वीडियो लेके आए हैं जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। मेहंदी है रचने वाली का है ये। मेहंदी है रचने वाले ड्रामे का है रागी फनी सीन। ये फनी सीन थोड़े अलग होने वाले, अब तो डेफिनेटली अलग ही होने वाले होंगे क्योंकि हम लोग देख देख के थक चुके हैं। अब ये देखते हैं वीडियो और चेकआउट करते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी हमारे वीडियो देखते हैं और वीडियो पूरी देखा करें शुरू से लेकर एंड तक, और हमारे पास एंड वाले कमेंट ज़रूर सुना करें जो हम लोग एंड में बोलते हैं। तो प्लीज़ वीडियो देख के और चले मत जाया करें, तो पूरी वीडियो देखा करें, हमारी यही गुजारिश है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो शुरू करते हैं। 1 2 3 और ये फनी सीन है। 1 2 3 स्टार्ट। क्या हुआ? वो कल जेल में जमीन पे सोया ना, तो पीठ पूरा अकड़ गया है। बहुत शौक था ना सरेंडर करने का, अब भुक तो। कुछ कहा क्या? नहीं नहीं अभी तक तो नहीं कहा, लेकिन अब कहने जा रहे। ऐसा कैसा बॉम्ब है जो फट ही नहीं रहा है? अच्छा है ना, मेरा घर नहीं टूटेगा तो बाहर फेंकना चाहिए था ना, हॉल में क्यों फेंक दिया? मेरा मर्जी, मेरा घर, मैं वहाँ नया रूम बनाएगा। जय शिवाजी। अपना शर्ट उतारो और बाथरूम में चलो, मैं वहीं आ रही। रेट फोर एंड रेट फोर एंड को ड्राइवर सोच रहा है क्या जो तुम्हारे लिए दरवाजा खोलू? चलो बाहर आओ। हमारा एक्शन का सही टाइमिंग देख ही लिया, वरना मुझे तो लगा था सिर्फ डायलॉग ही मारता। तुम इंसान हो या चलती फिरती एक्शन मूवी? इतना एक्शन तो फिल्मों में भी नहीं होता है। अजीब बॉम्ब, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है, फिल्मों में तो फेंकते ही फट जाता है। फिल्म में असली सही है। तुमसे बात करने के लिए मर रही, तुमसे बात करने से अच्छा है कस्टमर केयर वाले। तुम 27 हो या बॉर्न इन 72? ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग पुलिस गन ये सब तो 1970s की फिल्मों में होता था। और डोंट माइंड, पर तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें एक्शन फिल्में देख के पैदा किया था क्या? ने मुझे बिजनेस एडवाइस दी थी ना, आज मैं तुम्हें लाइफ एडवाइस देती हूँ। खाना खाते वक्त बोलते नहीं। नहीं नहीं, यू गाड़ी में बंद रहना मेरा फेवरेट हॉबी है। बहुत अजीब और गरीब हॉबी है तुम्हारा, लेकिन अच्छा दुनिया में शांति तो रहेगी। और हाँ, मैं थैंक यू क्या, बाय तक ना भूलू। अब अपने लंबा एंग्री मैसेज टाइप करना बंद कर दो, तुम्हारा हर गाली 50 बार सुन चुका है सुरीला। बाहर आना है एक शर्त पे, नो लेक्चर, नो बकवास, नो बहस, जो मैं बोलेगा वो करेगा तुम। रियलिटी चेक मिस्टर राघवराव, तुम में ना अब वो डॉन वाली क्वालिटी नहीं रही। गया वो वक्त जब 11 मुल्कों की पुलिस तुम्हारा पीछा करती थी, अब तो सिर्फ शादियों में लोग तुम्हारे पीछे आते हैं जलेबियों के लिए। अपना दिमाग अपना सारी का दुकान में छोड़ के आया क्या? फालतू रिएक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, साइन कर दो। प्लीज। मेरे को आवाज नहीं होना। आवाज नहीं कर रही हूँ, सांस ले रही हूँ। तुम कहो बोलो चुप क्यों हो? सही वक्त पे जवाब देगा, मेरे को एक्शन में रॉन्ग टाइमिंग नहीं होना। वाह वाह वाह, मुझे सुना रहे, टाइमिंग तो मेरी सही थी। अगर टाइम से लात नहीं मारती ना तो तुम लगते लड़ते रहते हैं। तो मियां बीवी है क्या, गुंडा है? तो हर वीडियो में लड़ते रहते हैं, हर वीडियो में फनी सीन करते रहते हैं और बड़े मजा करते होंगे, बहुत मजे का ड्रामा होता होगा ये। और हर चीज में मुझे लगता है वो दोनों लड़ते ही रहते हैं एनी टाइम, और झगड़ते रहते हैं और मजाक करते रहते हैं हर किसी से। तो कैसा होगा ये ड्रामा यार, अगर हम देखना स्टार्ट करें तो आप लोग बताएं, हम लोग देखना स्टार्ट करें ये वाला ड्रामा। मुझे अच्छा लगने लग गया है और पटवी की एक्टिंग तो बेहद मोबाइल देने वाला। तो
पल्लवी की एक्टिंग तो बहुत जबरदस्त लग रही है और राघव की भी बहुत जबरदस्त लग रही है। और इसके और कैरेक्टर्स की भी हम एक्टिंग देखना चाहते हैं कि वो भी इसी तरह के हैं या, और राघव की जो लैंग्वेज है वो इस तरह की क्यों है यार, क्या कर रहा है तू, ये कर रहा है तू, तुम अंधेरी हो तो अच्छा है, और ये तो इस तरह की लैंग्वेज की उनकी लैंग्वेज बनी भी है ऐसी ना, तो उनकी लैंग्वेज उनके जो करेक्टर होगा उस हिसाब से वो चला रहे। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देख के और बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छे फनी सीन थे। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में यार। रिकमेंड करें वीडियो और बहुत सारे रिकमेंड करें वीडियो जो हमें बहुत मज़ा आया ये ड्रामा हम स्टार्ट कर दें देखना के लिए, क्योंकि मैंने हर वीडियो इसकी देखनी चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ ये ड्रामा यार, बहुत अच्छा लगने लगा मुझे, मैं दिल से कह रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। पहले हम लोग जो पहले जब पहले 2001-2002 में जब हमारे यहाँ स्टार प्लस आता था तो हम लोग सब ड्रामेज वगैरह देखते थे, और जो 6 बजे से स्टार्ट हो गया ड्रामा देखना, हम लोग रात के 11-12 बजे तक फ्री होते थे जब वो ड्रामा की सीजन जो चलती थी, क्योंकि 6 बजे से स्टार्ट होता था वो 11 बजे तक जाता था। तो लास्ट में वो ड्रामा आता था मुझे याद है, कसौटी दिन देखी थी वो, कहीं तो होगा नहीं, वो ड्रामा बहुत पॉपुलर था यार, उसमें वो भी थी एक जो रात को 11 बजे आता है ड्रामा, मैं भूल गया वो ड्रामा कौन सा था, मैं सर्च करूँगा शायद वो आ जाए, क्योंकि पहले आता था मिली भी देखा मैंने ड्रामा, मैंने ड्रामा देखा कौन सा देखा, मैंने मिली भी देखा, शक्ल देखा मैंने, और वो भी देखा था कसौटी जिंदगी भी देखा हम लोगों ने, ये रिश्ता क्या कहलाता है तक हमने देखा, अभी भी चल रहा है शायद यार रिश्ता क्या कहलाता है वो भी देखा हमने, बहुत सारे सीरियल देखे जो कहीं तो होगा, और भी बहुत सारे सीरियल थे जो हम देखते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था देखना, और प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा, हम मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह बहुत लंबी लिस्ट है जो हम लोग बाद में बताएंगे आप लोगों को, हर वीडियो में बताते रहेंगे कि हमें कौन कौन से ड्रामे देखे हैं इंडिया के। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करके जाना, लाल कलर का बटन ऊपर दबा देना, उछलो उसके ऊपर, कुछ तो कुछ करो जल्दी, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, मिलते हैं किसी और, ओके अल्लाह हाफिज़, आई लव यू, अपना ख्याल रखना।